हेलो एवरीवन, मैं ममता सचदेवा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। और अभी जो मैंने टॉपिक चुना है आपसे बात करने के लिए, वो टॉपिक भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए जब आप एक फुल लेंथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो वो कैसी होनी चाहिए। मेरे फेसबुक ममता सचदेवा मोगा पेज के ऊपर अगर आप जाके देखें तो आपकी दो सैम्पल फ़ोटोग्राफ्स आपको वहाँ दिख जाएंगे, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आप क्या पहन सकते हैं। बेसिकली उसमें मैंने ब्लैक कलर का कोट पैंट लड़कों के लिए और वाइट कलर की शर्ट रेकमेंड की है, और लड़कियों के लिए मैंने ब्लैक कलर की स्कर्ट और ब्लेज़र ब्लैक कलर का और साथ में एक वाइट कलर की शर्ट मैंने रेकमेंड की है, और दोनों के लिए शूज़ ब्लैक कलर के रेकमेंड किए हैं। लड़कों के लिए टाई का कलर थोड़ा सूदिंग हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, वो रेकमेंड किया है। लेकिन उसके अलावा आपको फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े कैसे होना है, ये आइडिया मुझे क्यों आया वीडियो बनाने का, क्योंकि एक लड़की ने मुझे अपनी सैम्पल फोटोग्राफ मेरे फेसबुक पेज पे भेजी थी, जिसमें वो बहुत स्टिफ होके खड़ी हुई थी। तो आप इस चीज़ को ऐसे सोचें कि अगर आप मॉडलिंग के लिए जा रहे हो तो आप बिल्कुल सावधान के मोड में अगर आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचाओगे तो कैसे चलेगा। और कैबिन क्रू प्रोफेशन तो वैसे ही बहुत ग्लैमरस प्रोफेशन है, तो आप थोड़ा सा तो उसमें अपनी पर्सनैलिटी को डालें ना फ़ोटो में, तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट हाथ के ऊपर हाथ रख के या जो भी एक पोस्चर आप कोई भी ऑनलाइन से देख सकते हैं स्मार्ट सा, तो आप आराम से रिलैक्स मोड में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाएं। और क्या इम्पोर्टेंट है उसमें कि आपकी फ़ोटोग्राफ का बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का होना चाहिए, ये ज़रूरी है, इट्स अ मैंडेटरी। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे डोंट एक्सेप्ट कोई और बैकग्राउंड, तो वाइट ही होना चाहिए आपका। तो मेक श्योर करें कि आपकी फ़ोटोग्राफ जब आप खिंचवा रहे हैं तो आपके कपड़े अच्छे हों, आयरन किए हुए हों, आपका जो शर्ट के कॉलर्स हैं वो प्रॉपर क्रिस्पी कॉलर्स हों, मतलब ढीले कॉलर्स नहीं हों, और जो शूज़ आप पहन रहे हैं वो पॉलिश्ड हों, उनके ऊपर कोई लाइने वाइने ना हो या पुराने ना हो। कोशिश करें, चाहे अपने फ्रेंड के आप मांग के पहन लें या आप अपने नए खरीद लें, कोशिश ये करें कि आपके शूज़ जो हैं वो नए और पॉलिश्ड और अच्छे हों। तो आपकी बैकग्राउंड मैंने बात की है कि फ़ोटोग्राफ की वाइट होनी चाहिए, और उसी सेम यूनिफॉर्म में ही आप अपनी एक हाफ लेंथ फ़ोटोग्राफ भी खिंचवा सकते हैं, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो तो आपको हाफ फ़ोटोग्राफ जो जिसको हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स बोलते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो फुल लेंथ फ़ोटोग्राफ और हाफ लेंथ फ़ोटोग्राफ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लाइटली ना लें। और ये भी आप कर सकते हैं कि जिन कपड़ों में आपने फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाई हैं आप इंटरव्यू डे पे भी वही कपड़े पहन के जा सकते हैं, अगर आप उसमें स्मार्ट दिखते हैं तो। तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरा देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं बहुत सारे मुझे फ़ोटोज़ आए लड़के लड़कियों की तरफ से जिसमें मुझे बहुत सारी कमियां लगी, तो ये कुछ कमियां दूर करने के लिए मुझे लगा कि मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड कुछ भी आपको और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो इस वीडियो के नीचे आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे भेजें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।